я тікаю Касандра. І кривая патера, затмівала разом, убивала музиканта. Це мені мені є, я рядом були, вірила не корі. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रमजान खान और आप देख रहे हैं रमजान खान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रॉक एफएफ की तरह अपनी वीडियोस में टेलीपोर्ट इफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये है हाउ टू एड इट लाइक रॉक एफएफ पार्ट टू। अगर आप पार्ट वन देखना चाहते हैं तो फिर उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और ये है हाउ टू एड इट लाइक रॉक एफएफ पार्ट टू। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टेलीपोर्ट इफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना। ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती है हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ये न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए अपनी रिकॉर्डिंग, आप उस रिकॉर्डिंग को लगा सकते। अब मुझे ये वाला सीन चाहिए था तो फिर मैं ये वाला सीन ले लिया। अब यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करके पीछे से कट कर दूँगा और यहाँ पर देखूँगा इसको लेयर में ले आऊँगा मैं। अब यहाँ पर मैं वो वाला सीन देखूँगा जहाँ पर मुझे इसको रोकना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे इसे रोकना है। अब मुझे क्या करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। अब ये जो मैं स्क्रीनशॉट लिया इसको मैं टाइमलाइन पे ले आऊँगा। अब मुझे इसको फुल साइज़ अपनी स्क्रीन पे लगा देना है। एंड अब मैं इसको क्लिक करूँगा इस लेयर को, एडिट में जाऊँगा, मास्क में जाऊँगा, पे तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। जो हमारा करेक्टर है हमें उस पर पूरा फिल कर दे इसको, ऐसे करके हमारे करेक्टर पे इसको लेके आ देना है। और आप यहाँ पे इन्वर्ट वाले को ऑप्शन को भी दबा सकते हैं जिससे आपको परफेक्ट तरीके से नज़र आएगा कि आप किस तरह इसको किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। अब इसको लेयर टू में लाना है और इसका डुप्लिकेट बना के लेयर वन में लेके आना है। अब एडिट में जाएंगे, मास्क में जाके नोन को दबा देंगे। अब यहाँ पे आप इसको हल्का सा ड्रैग करेंगे एंड ये देखे यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेगी। ये देखे मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और जहाँ तक ये है वहाँ से मैं स्प्लिट करता हूँ, काटता हूँ इसको एंड यहाँ से मैं मास्क पे जाके नॉन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का फर्क आ रहा है। मैं यहाँ पे जाके लेयर में जाऊँगा, स्टिकर्स में जाके मुझे एक ये वाला चाहिए, मैं इसको ले लिया। जहाँ तक मैं ये है वहाँ तक मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, काट देता हूँ। अब ये देखे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये देखे कुछ देखने में इस तरह लग रहा है, ये मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा, यहाँ पे मैं अपने दूसरे सीन ले लूँगा, जहाँ तक मुझे सपने चाहिए वहाँ तक मैं दूसरे सीन ले लूँगा। तो ये वाला सीन चाहिए मुझे। अब ये इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा और स्क्रीनशॉट को यहाँ टाइमलाइन पे, इससे कहीं शॉर्ट टाइम लाइन पर आ गया है। अब इसको मैं फर्स्ट लेयर पे करूँगा एंड अब इसको मैं फुल साइज़ का करूँगा और जो भी हमने पिछला मेथड किया था वही मेथड मुझे यहीं पे करना है। मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके ऊपर यहाँ लगा देता हूँ इस इफेक्ट को और यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है और इसको काट देना है और आगे ये आगे वाली वीडियो लगा देनी है। ओ
और जहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पे रोक के मैं इसको काट दूँगा। अब आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को भी दबा दे। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो फिर प्लीज़ लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।